पिछले महीने आपकी हुकूमत ने अनाउंस किया था कि हम 14 सेंट से 6 सेंट पे कर देंगे पावर का जो टैरिफ है, और उसकी वजह से एप्टमा पंजाब ने यह अनाउंस किया कि जितनी बंद मिले हैं, 180 मिल जो हैं बंद हैं, उनको हम फौरी तौर पे अपनी जिम्मेदारी पे ऑन करते हैं और उनको शुरू कराते हैं। आप पावर टैरिफ आज भी कम नहीं कर रहे और दोबारा से बैंकक्रप्ट होने जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल जी, हम काम कर रहे हैं उसको, उस पर थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। और असल बात यह है कि देखिए जी, अभी हमारे टोटल 76 दिन हुए हैं और आपको अच्छा अंदाज़ा है इस बात का, बहुत बेहतर अंदाज़ा है इस बात का कि इससे पहले जो है सिर्फ इन्होंने खाली लूट मार नहीं की, बल्कि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो उसमें आप उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमें थोड़ा ज़रूर वक्त लग रहा है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो हमने एक मॉडल बना लिया है कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है और हमने किस तरह इदारों में काम करना है, किस तरह इदारों को चलाना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये कोई इतना मसला नहीं है और जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी जगह पर आ जाएंगी। और जो जो बातें और जो जो चीज़ें हमने कही थी इलेक्शन से पहले कही थी, जो कौम से वादे किए थे, और इसके अलावा जो जो हमने अपने 100 प्लान में डाली हैं, और जो जो इसके अलावा हमने ऐलानात किए हैं इन दिनों में, हम लोग इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसी तरह ही होंगी। हाँ, हो सकता है किसी में कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए, ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 5 साल इनकी तरह लग जाए या 40 साल हुकूमतें गुजार ली इन पार्टियों ने और फिर भी कुछ नहीं हुआ। टाइम का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कुछ दिनों के हवाले से या कुछ ज़रा टाइम लग जाए इनमें, लेकिन ये जो हमने फैसले किए हैं ज़राअत के हवाले से या टैरिफ के हवाले से, हमने ये सारे फैसले इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करने हैं। अली अमीन साहब, मेरी राय मुझे तो बताते हैं कि मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोले बोले जी, देखिए बात यह है कि जो बात अभी आपने जो जिक्र किया है उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने उनको रिलीफ नहीं दिया, इन्होंने उनसे गलत बयानी की है। रियासत जो है वो कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ गलत बयानी कर सकती है? अगर आप मुझे एक दिन का वक्त दें तो कल मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं उन तमाम इंडस्ट्रीज की फैसलाबाद में जो बंद हुई हैं सिर्फ गलत बयानी से। इन्होंने ये कहा था कि हम आपको एलएनजी देंगे मगर लोकल बंद गैस डार साहब के जमाने में हुई है, ये कहा था, ये वादा किया था हुकूमत ने। नहीं सर, ये हुई है सर, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। नहीं सर, ये जो एक हफ्ता पहले आपने अखबारों में, एक महीना पहले अखबारों में तस्वीर देखी होंगी जिसमें एप्टमा ने तारीफ की, जिसमें तालियां बजाई गई कि जो डिस्पैरिटी थी गैस की कीमत सिंध में और पंजाब में वो दूर कर दी गई है, वो डिस्पैरिटी दूर नहीं हुई, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये है वो गलत बयानी। इन्होंने कहा कि हम आपको जिस रेट के ऊपर लोकल गैस मिलती है हम आपको उसी रेट में पंजाब में गैस देंगे जिसपे तालियां बजी, ये इन्होंने गलत बयानी की। इसकी मुताबिकत से इंडस्ट्रीज ने अपनी प्लानिंग कर ली। अब हुआ क्या है, ये चार्ज कर रहे हैं फैक्ट्रियों को एलएनजी की इंटरनेशनल कीमत और उनको कह रहे हैं कि जब एसएनजीपीएल को पैसे मिल जाएंगे तो जो फर्क है लोकल गैस और इंटरनेशनल गैस का, अभी आप एलएनजी के पैसे ही जमा करवाएं तो हम आपको वापस कर देंगे। अभी तक इन्होंने कोई रीबेट वापस नहीं किया। आखिरी दफा मिफ्ता साहब रीबेट 31 मई को वापस करके गए थे, आखिरी रीबेट था जो वो देकर गए थे। इन्होंने उस वक्त से आज तक नवंबर आ गया है, एक पैसा रीबेट में इंडस्ट्री को नहीं दिया, गलत बयानी की। आपको जिसकी एक वजह बात से बताऊं मलिक साहब, इंडस्ट्री को रीबेट नहीं चाहिए, लोगों का रोजगार जा आपको रहा है। मैं कर्ज करता हूं, आप अगर आप इजाजत दें, इंडस्ट्री को रीबेट नहीं चाहिए, उनको खैरात नहीं चाहिए, उनको भीख नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इनके विथहोल्डिंग के जो पैसे हैं वो नहीं मिल रहे यूनिट, अगर आपको गैस दे रहे हैं से आज नहीं, जो भी है आप ये तो ना करें कि पंजाब में आप एक रेट पे गैस दे रहे हैं, सिंध में दूसरे रेट पे दे रहे हैं, तो पंजाब की इंडस्ट्री डबल चार्ज दे के कैसे कंपेटिटिबल हो सकती है किसी जगह? वो कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं हमसे इंसाफ करो, हमारे साथ रहम करो, वो ये कह रहे हैं। कादरी साहब जी बिल्कुल, देखिए हम जी तो, और मैं भी यही कह रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ गलत बयानी की गई है जिससे इंडस्ट्री बंद हो रही है अब। ओके ओके, ये ठीक कह रहे हैं। देखें जब ये मैं इसमें कमेंट करूं जरा, मनी स्वैप की बात की गई चाइना के साथ, तो फरुख सलीम साहब इनके बड़े मायानाज माशाल्लाह फाइनेंस एडवाइजर हैं, उन्होंने कॉलम लिखा था और उनकी कुछ गुफ्तगू भी थी। देखें कितनी हिलेरियस बात है।
اب وہ ایک دم وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جاب شہزاد فائنانس کا آدمی ہے، جاب سیکرز سے بچیں، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بات کریں، خود اچھے لوگ ہیں ان کے پاس. اب دیکھیں نا کل ابھی میرے بھائی علی امین صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو جو معاملات بہت خراب ہیں، آج کا اسٹیٹمنٹ اسد عمر صاحب کا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ہماری ایجنسی ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ اب ہم اس $8 بلین سے اوپر آ گئے ہیں جہاں ہمیں مارجنل کالز آنی شروع ہونی تھی، ہم اسے آگے نکل گئے ہیں جبکہ وہ نہیں نکلے. اور رائٹلی سو علی امین صاحب پیارے آدمی ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں کہ ابھی یہ نہیں ہوا. اب آپ چائنا گئے ہیں، آپ کیا لے کے آئے وہاں سے؟ مجھے کوئی ایک لفظ بتا دے. سواپنگ یہ تو پچھلے 10 سال سے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں تو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو سر، وہاں تو گالم گلوچ ہے، کروا لیں جتنی مرضی. ہم نے غلط الیک کیا بالکل سب کو، جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو گالی دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں. اور گورنمنٹس کو تو بہت زیادہ دے آر واکنگ آن اے ویری تھن لائن. گورے کو امپورٹ کر سکتے ہیں؟ گورے نہیں کریں آپ، اس طرح نہ کریں. دیکھیں گورے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ تھوڑے سے مہذب طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہو گیا. میں آتا ہوں برداشت. علی امین صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے، ملک صاحب کی. بالکل جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے بڑی یہ خوبصورت باتیں، بڑے تحمل سے فیگرز، قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے فیگرز کے ساتھ کھیل کر یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ انڈسٹریاں جو بند ہوئی ہیں کس کی حکومتیں تھیں آخر، کس کی پلاننگ تھی آخر؟ 14,000 ارب روپیہ 5 سالوں میں قرضہ کس نے لیا، اور اس قرضے سے کیا ریلیف دیا انڈسٹریلسٹ کو یا عوام کو؟ عوام پہ تو 6 ارب روپیہ روزانہ کا سود چڑھا دیا انہوں نے، جو عوام اتارے گی. اب جو حکومت ہماری آئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے جیسے بھی پاکستان ہمیں دیا ہے، انشاءاللہ ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تو اچھے ہوتے ہیں یار، اس کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ اس کے ذمہ دار یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہی حکومتیں ہیں بار بار بنی ہیں، بار بار انہوں نے قرضہ بھی لیا ہے، $اربوں کا قرضہ بھی ہمارے اوپر چڑھایا، قوم کے اوپر، قوم کی ریلیف کے لیے کیا انہوں نے کام کیا، قوم کی بہتری کے لیے کیا انہوں نے کام کیا، ایگریکلچر کے لیے کیا انہوں نے کام کیا. اور میں ذرا ذیم قادری صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس ملک بھی جائیں تو ہم جا کے صرف پیسے ہی لے کے آئیں وہاں سے، اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کون ہمیں پیسہ دے گا. یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے چکی ہے، جس سے ہماری قوم کافی بدنام ہو چکی ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی لے کے آئیں، ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم لوگ ان سے وہ سسٹم ان سے سیکھ کے لائیں کہ جس کے ذریعے غربت کا خاتمہ ہو، جس کے ذریعے روزگار آئے.